नमस्कार दोस्तों, मैं बीके दत्त। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। और आज मैं बात करेंगे व्हील के बारे में, व्हील में कितना किस्म का डिफेक्ट होता है और उनके डिफेक्ट होने से क्या क्या तकलीफ होगे उसके लिए मैं बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी फटाफट आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक देना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाने ना भूलिए। तो चलिए, मैं अभी आप लोगों को मैं आपका एक व्हील सेट का ऊपर में लेके चलते हैं और उसका जितना सारा इन्फॉर्मेशन होगा उतना मैं आपको दे देते हैं। देखिए, इधर एक व्हील सेट गिरा है ओपन। इसमें हम आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। ये व्हील सेट है, इनके बारे में कुछ बताएंगे। तो चलिए अभी मैं बता रहा। देखिए, एक एक्सेल में दो व्हील लगा हुआ है, इसको व्हील सेट बोला जाता है। इसका अंदर में क्या प्रॉब्लम होता क्या नहीं, और उसका साथ में कुछ असेंबली है वो नेकेड में, उसका भी बारे में थोड़ा बता देंगे। दोस्तों देखिए, ये इधर व्हील का साथ में कुछ लगा हुआ है। ये जो है आपका क्राउन है, ये एक्सेल बॉक्स है, एक्सेल बॉक्स फेस प्लेट है, एक्सेल बॉक्स फेस प्लेट का नट बोल्ट है, ये एक्सेल बॉक्स का विंग है, इधर आपको डैशबोर्ड एक्सेल बॉक्स का डैशबोर्ड इसके अंदर में बैठेंगे। तो ये जो एक्सेल बॉक्स है, ये है स्फेरिकल रोलर बियरिंग, ये डबल रोलर का सिस्टम से है। इसको 14-14 आपको 28 टो रोलर आपको अंदर में मिलेंगे, और जो कि गुड्स में आपको CTRB बोला जाता है, उसका यह है कार्टिज टैपर रोलर बियरिंग, वो आपको गुड्स में मिलेंगे, मैं आपको दिखा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हुआ आपका कैसनॉफ ट्रॉली। इसमें देखिए, ये जो आपको रोलर है ये है कार्टिज टैपर रोलर बियरिंग। तो दोस्तों, एक्सेल में दो व्हील रहता है, एक अपना कोचिन में जो व्हील है और LHB में जो व्हील है, ये होता है न्यू में 915 का और कंडमिंग में 825, और शॉप फिटिंग जो होगा, शॉप से फिटिंग होने से 837 से परमिसेबल में देने पड़ता है, और गुड्स में होने से 1000 का जो चक्का होता है वो व्हील को आपको 906 में कंडमिंग होता है। तो देखिए, इसके अंदर में एक जर्नल होता है, वो जर्नल का नाप होता है 120x130.5 mm। तो ये जर्नल का ऊपर में मेरा ये जो बियरिंग बैठा है, जर्नल का ऊपर में बैठा है। तो ये कोचिन का आपको दे दिया है 120x130.5 mm। एक व्हील सेट है, ये सेट में एक एक्सेल है 13 टन मेरा कोचिन में, आपका नॉन एसी के लिए, एसी के लिए 16 टन होता है, और दो व्हील डिस है इसका साथ में। ये दो व्हील डिस का अंदर में एक गेज बनता है, जैसी पकड़ लीजिए, ये जो है आपका ये इनर जो साइड है, इनर से लेकर ये इनर तक आपका 1600 mm +1 -0 होता है। तो ये दो व्हील का अंदर में, ये दो व्हील का अंदर में डिस्क का अंदर में कितना डिफरेंस होगा, 0.5 पकड़ लीजिए। इसका अगर 900 होगा तो उसका 899.5 अलाउड है। देखिए, एक बोगी में दो व्हील सेट है, दो एक्सेल है, तो इसमें क्या होगा, ये व्हील सेट एक बोगी के एक एक्सेल का सेट का साथ में, और दूसरा जो होगा मेरा कोचिन में जो है आपका 5 mm डिफरेंस लग सकता है व्हील सेट, और आपका ये बोगी से लेकर वो बोगी तक का अंदर में आपका 13 mm हमारा कोचिन में अलाउड है। लेकिन गुड्स में वैसी नहीं है, लेकिन एक एक्सेल में जो व्हील है वो 0.5 का एक व्हील डिस्क का साथ में अंतर रह सकता, और एक बोगी में जो है दो व्हील सेट होगा, वो दो व्हील सेट में 13 mm का डिफरेंस होगा, और आपका उधर होगा आपका एक बोगी में से और एक बोगी का डिफरेंस होगा 25 mm। अभी आपको एक तो खुला हुआ व्हील के ऊपर में लेके आते हैं, इसके ऊपर में आपका एक व्हील सेट में क्या बीमारी होता है और उसका लिए क्या प्रॉब्लम होगा और वो ये बताएंगे। तो चलिए मैं बता रहे हैं, ये जो है ये व्हील है, एक व्हील सेट में एक एक्सेल में दो व्हील है, एक तो व्हील है। तो दोस्तों, ये जो है ये व्हील का वाइड है 127 mm। तो ये फ्लेंज होता है नया में 28.5, अभी नया रूल आया है 29.4 आया है, तो इसमें क्या है, ये आपको फ्लेंज हुआ।
तो इसमें 7 किस्म का बीमारी होता है। पहला बीमारी आता है आपका चिन फ्लेंज, उसके बाद में आता है आपको सरफ्लेंज, उसके बाद में आता है लेस रूट रेडियस इंक्लिंस 1 in 20 ढाल में रहता है, और इसके बाद में आते हैं डीप फ्लेंज, ये जगह डीप हो जाएगा। तो इसके बाद में आते हैं फ्लैट फेसेस इस जगह में, और इसके बाद में हॉलो टायर इसके जगह में आते हैं, इसके बाद में आते हैं थिन टायर, मतलब ये जो बीट है, ये जो टायर का जो बीट है ये घस के कम हो जाएगा। तो इसमें मैं बताएंगे आपको, ये है 915 का चक्का और इसमें आपको 825 में कंडेमिंग होगा। तो चलिए अभी मैं थिन फ्लेंज दिखा रहा है, ये देखिए ये फ्लेंज थिन होता है, ये अभी 28.5 का है। तो इसमें अगर पकड़ लीजिए, आगे का कॉन्वेंशनल में जो था आपका 16 mm था, अभी नया हाई स्पीड सब गाड़ी आ गया। तो ये जो वीडियो है आपका, वीडियो का साथ में एक तो गेज जैसी मैं अंगूठा दिखा रहा हूँ ऐसी रहेंगे, तो वो आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये गेज है। तो फ्रेंड्स ये जो थिन फ्लेंज हुआ आपका 22 mm में आपका थिन फ्लेंज होता है। इस थिन फ्लेंज होने से क्या होता, ये पकड़ लीजिए गाड़ी हाई स्पीड में चलता है तो फ्लेंज अगर पतला हो जाएगा तो उस टाइम में कोई कर्वेचर में बहुत स्ट्रॉन्ग आपको फोर्स गिरता है फ्लेंज में, तब वो जगह में फ्लेंज टूटेगा और उस टाइम में आपको हो जाएगा रेल डिलेड होने का चांसेस रहता है। इसके बाद में आते हैं फ्लेंज आपको सर फ्लेंज में, तो देखिए ये जो फ्लेंज है इसके ऊपर में ये जगह में ये पोर्शन में आपको धारी नोकी का चक्कू का शरीर धारी उठता है। कहाँ उठता है, जब डीपली कोई कर्वेचर होता है जब गाड़ी, तब ये फ्लेंज आपका आपका रेल पटरी के साथ घसते हुए जाते हैं, रेल पटरी के साथ में घसते हुए जाते हैं, तो इस जगह में तभी क्या होता है आस्ते आस्ते रबिंग होके ये जगह में आपको चक्कू का शरीर आते हैं। तो उसमें क्या है, आपको नया में आपको 14.5 mm का होता है, और अगर उसमें से ये अगर धारी नोकी 5 mm तक आ गया ऊपर में तो आपको हो जाएगा ये कंडमिंग। तो इसमें होने से क्या होगा फ्रेंड्स, पकड़ लीजिए गाड़ी जब जाता है एक लाइन से और एक लाइन टर्न लेता तो ज्वाइंट रहता है, वो ज्वाइंट में क्या होता है तो उसमें क्या है, वो धारी नोकी अगर वो पॉइंट का अंदर में सेट हो जाएगा तो गाड़ी डिरेल्ट हो जाएगा, दूसरा लाइन चल जाएगा, पॉइंट बस्ट कर देगा। इसके बाद में लेस रूट रेडियस में आते हैं। तो चलिए ये जो गोलाई देख रहे हैं, ये गोलाई जो है ये लेस रूट रेडियस 16 R का होता है ये जगह टोटल, और 13 R में आ गया मतलब 3 mm घटिया तो ये जगह में ये हो जाएगा। ये ढाल है, ये ढाल है 1 in 20 इंक्लिस में। तो तभी क्या होगा दोस्तों, ये जो जगह है ये नॉर्मल हो जाएगा, तो क्या होगा चक्का आपका हाई स्पीड जब गाड़ी स्पीड में चलेगा तो नॉर्मल मूव नहीं कर पाएगा, तो जाके फ्लेंज से टकराएगा और फ्लेंज में टकराने से फ्लेंज मार खाने सकता। तो इसके बाद में आपको आ जा रहा मैं आपको डीप फ्लेंज में, तो फ्लेंज पकड़ लीजिए इधर इधर आपको लेस रूट रेडियस हो गया, ये जगह में गड्ढा होकर चली गया तो फ्लेंज ऊपर तरफ बढ़ जाएगा, ये फ्लेंज ऊपर तरफ बढ़ जाएगा, ये लंबाई बढ़ जाएगा। तो बढ़ने से क्या होगा, ये 28.5 आपका नया में था तो ये अंदर जाने से ये लेंथ जो है वो 35 mm में आ जाएगा, ये लेंथ जो है 35 mm में आ जाएगा, तो डीप फ्लेंज हो जाएगा। डीप फ्लेंज का साथ साथ आपको क्या होगा, ये प्ले नहीं होगा। तो इसके बाद में आ जाता है फ्लैट फेसेस। तो दोस्तों फ्लैट फेसेस पकड़ लीजिए, गाड़ी बहुत ज़ोर से चल रहा है और इसमें चक्का कहीं कोई जगह में पकड़ लीजिए ब्रेक बेंडिंग हुआ, चक्का नहीं घूम रहा, तो नहीं घूमने से क्या होगा, ये जगह जो है आपका रेल पटरी के साथ में घसते हुए जाएगा और उस टाइम में ये जगह आपको ये जो है ये जगह गोलाई जो है खा जाएगा, खा जाने से आपको हमारे जो है कोचिन में 50 mm आपको परमिशनल है और गुड्स में 60 mm का है। इसके बाद में आ गया हॉलो टायर। ये हॉलो टायर क्या होता है, गाड़ी चलते चलते ये टायर का अंदर में इस तरह में ग्रूव हो जाता है, ग्रूव हो जाने से अंदर में डीप हो जाता है 5 mm तक, इसको आपको 5 mm वो ग्रुप अगर अंदर में चले जाएगा तो आपको हो जाएगा आपको हॉलो टायर। और वो टाइम में आपको इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम होगा यही कि गाड़ी चलते चलते अगर पॉइंट में आपको दूसरा लाइन में चल जाएगा, ग्रुप फंस जाएगा पॉइंट का जो नोकी। इसके बाद में थिन फ्लेंज आ गया, सॉरी आप इसके बाद में मैं आ जा रहा थिन टायर में। तो ये जो टायर है घिस के पतला हो जाएगा, ये 825 में कंडम हो जाएगा, 915 नया है। तो फ्रेंड्स अभी तक तो मैं आपको व्हील के बारे में बता दिया पूरे, और अभी इसमें और बाकी कुछ भी नहीं है। तो चलिए ये व्हील जो है ये 2 किस्म का होता है, एक तो होता है आपको कास्ट आयरन का, वो जो होता है वो आपका लगता है 110 kmph का जो गाड़ी चलता है उसमें, और जो है फोर्ज व्हील वो होता है आपको
130 हाई स्पीड गाड़ी में, जैसे कि राजधानी शताब्दी दुरंतो ये सब गाड़ी में वो चक्कर लगता है। तो फ्रेंड्स, अभी अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक दे दीजिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके बाद में मेरा बहुत सारा वीडियो ऐसी प्रोड्यूस होगा। हाँ, मेरा रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आपको स्वागत है। आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलिए। तो तब तक के लिए मेरा सेकंड इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसका तक इंतज़ार करिए, और मैं इतना ही बोल के मैं आप लोगों से विदा लेते हैं। चलिए, तब तक आप लोग इंतज़ार करिए। गुड बाय।